क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये भी मेल्टिंग वाला क्वेश्चन है। मेल्टिंग वाले इससे पहले मैं 3-4 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो उसको वीडियो को जाके देखना, उसी में नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर, कोई सिलेंडर बना लेते हैं, ये सिलेंडर है इस तरीके से, और इसकी डायमीटर कितनी दी हुई है, इसकी डायमीटर दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर ठीक है, 12 सेंटीमीटर ठीक है, एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ठीक है। अब इसे क्या किया मैंने, एक रिकास्ट मतलब इसको पिघला के, मतलब ये समझ लो इस तरीके से ये सिलेंडर है, इसको पिघला के मैंने कोन बना दिया, और कोन के ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर, तो ये कोन बना लिया, और कोन किस पे बना हुआ है, हेमिस्फीयर पे, मतलब ये हेमिस्फीयर है और इस मतलब कोन के ऊपर हेमिस्फीयर, ध्यान से समझो, सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मतलब ये माउंटेड मतलब ऊपर ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये मेरा कोन है, ये कोन हो गया, उल्टा बना दिया, और कोन के ऊपर इस तरीके से ये हेमिस्फीयर है ठीक है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, हेमिस्फीयर की रेडियस दी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द टॉयज, ये टॉयज की पूरी हाइट दी है, ये हाइट पूरी है, कितनी दी है ये हमें, ये हमें दी है हाइट ऑफ द टॉयज 12 सेंटीमीटर ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो हमें पता है कि जो हेमिस्फीयर की हाइट होती है वो उसके रेडियस के बराबर होती है, तो ये रेडियस भी, ये भी कितनी होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर ठीक है। तो कोन की हाइट टोटल कितनी हो जाएगी, कोन की हाइट यहाँ से हो जाएगी, देखो ये पूरा 9 है, ये पूरी मेरी कोन की हाइट है इतनी, और ये पूरी हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर ठीक, ये पूरी, तो ये कोन की हाइट हो गई। तो इसको कोन की हाइट को कैसे निकालेंगे, 12 - 3 मतलब 9 सेंटीमीटर, ये कोन की हाइट आ गई ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने इस सिलेंडर से ये बना दिया, तो मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर रिकॉर्ड करवा देता हूँ, कि जब भी हम किसी चीज़ को रिकास्ट करते हैं तो मतलब पहले वाले सॉलिड का वॉल्यूम इज इक्वल टू इन दोनों का वॉल्यूम, तो इस दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये क्या होता है जी हमारा, ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, तो इन दोनों को कैपिटल रख लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो ठीक है। तो पाई को रखेंगे, अभी पाई को सोल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें भी पाई आएगा और इन दोनों में भी पाई आएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा। सिलेंडर की हाइट कितनी दी है, रेडियस दी है 6, तो डायमीटर 6, और उसका आधा कितना हो जाएगा, रेडियस मतलब डायमीटर कितनी है 12, और रेडियस क्या होती है डायमीटर बाई 2, तो मतलब कितनी आ जाएगी 12 / 2 मतलब 6 सेंटीमीटर ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 6 का स्क्वायर, और इसकी हाइट, हाइट कितनी दी है, डायमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इंटू 15, ये हो गई इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से हम क्या लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, और पाई को भी ऐसे ही रखा, कोन का वॉल्यूम कितना है, इसको ऐसे ही रखो, रुक जाओ एक मिनट, अभी इसको सोल्व नहीं करते हैं ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। और इसी तरीके से हम सिमिलरली क्या लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा जी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा होगा, हाँ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा हमारा, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब ठीक है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, और जो ये है ये दोनों का है, मतलब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो मतलब क्या बोल लिख देता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ठीक है, ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, ये मैं मिटा देता हूँ, इससे हम एक चीज़ सीख लेंगे बहुत अच्छी, जो आपको शायद पता होगी कि ठीक है, नहीं पता होगी तो कोई बात नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है ठीक है। तो अब दोनों के वॉल्यूम बराबर करते हैं, ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ठीक है। अब देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई
आर स्क्वायर एच, मैंने सिलेंडर की हाइट और रेडियस अलग अलग रखी है, और एन एस ई रहा वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका क्या होगा ये 2/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान से देखो पूरे में से कुछ को मना रहा, बिल्कुल एन को ऐसे ही रखा मैंने, पूरे में से हमारा यहाँ पे देखो इसको ऐसे रख लेते हैं, पूरे में से क्या को मना रहा है 1/3 को मना रहा है, पाई को मना रहा है और आर स्क्वायर को मना रहा है। सर क्यों को मना रहा है, देखो 3 यहाँ पर है यहाँ पे भी है तो 3 को हटा दो, फिर पाई है पाई को हटा दो, फिर आर स्क्वायर है तो ये हटा दो, तो क्या बचा मेरे पास एच प्लस 2 आर। क्लियर है यहाँ तक? और ये देखो ध्यान से ये मेरे किसके बराबर है पाई आर स्क्वायर एच के, तो इस पाई से ये पाई से ये पाई कट गया बिल्कुल। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है इसको सोल्व कर लेते हैं, हमारा सोल्व करके क्या रहा है ऊपर का मिटा देता हूँ ना। देखो ध्यान से तो ये मेरा कितना हो जाएगा आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 ऐसे ही रहा, यहाँ से क्या बच गया इंटू आर स्क्वायर और इधर से क्या आएगा एच। हाइट, हाइट किसकी सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर है, सिलेंडर की हाइट कितनी है 9 प्लस 2 इंटू आर कितना है आर हमारा है 3, तो ये मेरा कितना आ जाएगा ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे रेडियस रख दो, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है हमारी 6 का स्क्वायर और हाइट कितनी है इसकी सिलेंडर की हाइट कितनी है 15 इज इक्वल टू 1/3 इंटू आर कितना है आर फिर से रख दो आर 3 है तो 3 का स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 9 और 9 प्लस ये चलो लो मैं पूरा कर देता हूँ 9 प्लस 6। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से अब क्या कर रहे हैं, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 6 को मैं ये लिख सकता हूँ 6 × 6 × 15 और यहाँ पे 1/3 ऐसे ही रहा, इस 3 को स्क्वायर को मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ और यहाँ से कितना आ जाएगा 15। अब देखो ध्यान से क्या कट रहा है मेरा, और ये n मिला चल ही रहा था, जो n मुझे निकालना था मतलब n क्या था नंबर ऑफ कोण कितने वो बनेंगे मतलब मेल्ट करके। तो अब देखो ध्यान से इस 3 से ये 3 कट गया, अब यहाँ से कितना आ जाएगा 6 × 6 और इस 15 से ये 15 कर गया, ये 3 कहाँ है मल्टीप्लाई में तो यहाँ से कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना आ गया n, तो n अल्टीमेट मेरा कितना आ जाएगा 12। मतलब मैं इस सिलेंडर को रिकास्ट करके जब कोन प्लस हेमिस्फेरिकल शेप की कोई फिगर बनाऊंगा तो मेरे टोटल 12 फिगर बनेगी। आई बात समझ में, मतलब इस एक सिलेंडर को पिघला के अगर मैं ये टॉयज बनाऊंगा जिसमें कोन और हेमिस्फेयर होगा और जिसकी रेडियस और हाइट ही होगी तो टोटल मैं 12 कोन प्लस हेमिस्फेयर जैसी टॉयज बना सकता हूँ। अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 24 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना और सारे क्वेश्चनों को करना, आपको बहुत मजा आएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको एक साथ शायद ही किसी ने करवा रखे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।